हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीटीएफटी के एक और क्वेश्चन के बारे में, जहां पे हमें सिग्नल गिवन है एक्स एन इज इक्वल टू वन वाई रेस टू डी पावर मोड ऑफ एन। तो इस तरह के क्वेश्चन मोड ऑफ एन हर टाइप के जो ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कोई नंबर ले लिया, वहां पर जनरल फॉर्मूला पढ़ते थे, फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको देखो कैसे करना है। इसको करने के लिए पहले क्या करेंगे, इस सिग्नल को हमें क्या करना होगा, जैसे वहां पे करते थे दो, इसको पीस वाइज फंक्शन में लाना होगा, ऐसे यहाँ पे करेंगे इस काम को। अब इसको पीस वाइज फंक्शन को लिखेंगे कैसे, एक सेकंड तो ये देख लो इसको पीस वाइज में बनाना कैसे। ठीक है, तो ये 1/2 की पावर, पहले मैं 0 रखा तो कितना आ जाएगा 1, फिर 1/2 की पावर 1 रखा तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी हाफ, फिर अगेन 2 पे रखूंगा तो 1/4, इसका भी हाफ एंड सो ऑन, इसका हाफ, ऐसे जब इधर रखूंगा -1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 की पावर -1 हो गया तो अगेन वो प्लस ही रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्नल इस टाइप से आ जाएगा। जब 2 रखूंगा तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि मोड के अंदर तो वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी ना इस टाइप से, तो ये क्या रहेगा 1/2 की पावर 2 ही रहने वाला, यानी 1/4, यानी -2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन घटी जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ क्या हो रहा है, सिग्नल ये क्या होना चाहिए, घटना भी चाहिए, यानी कन्वर्ट करना चाहिए, जो भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसी ग्राफ फिगर को देखो, को देख के हम देखो कैसे लिखने वाले हैं ग्राफ। तो हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो 0 से लेकर इधर वाला इंफिनिटी तक का जाने वाला पोर्शन, और एक तरफ ये वाला पोर्शन। तो हमारे पास दो पोर्शन है, तो मैं इस वाले पोर्शन को कैसे लिख सकता हूँ, जो इधर से आ रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा, तो 1/2 की पावर n, यहाँ से किससे शुरू हो रहा है, ये यहाँ से ध्यान से देखो किससे शुरू हो रहा है, u ऑफ n लगा दिया। अगर u ऑफ n लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये 0 से शुरू हो रहा है लेफ्ट की तरफ, जो इधर जो जा रहा है यहाँ से, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से। तो इसको 1 से शुरू करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर यहाँ तक आया। अब u के साथ क्या लेना पड़ेगा और n क्या लेना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -n करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे n था तो -n करना पड़ेगा दूसरी तरफ, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार क्या -n करेंगे, केवल -n नहीं करेंगे, अगर -n करेंगे तो 0 वाला जो पोर्शन है ये दो बार इंक्लूड हो जाएगा इसमें, ये ऑलरेडी हम एक बार इसमें ले चुके हैं, अगर 0 वाले लेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 1/2 की पावर 0। तो एक ही बार लेने के लिए क्या करेंगे हम, सिग्नल कौन से स्टार्ट कर देंगे, -1 से, तो -1 से स्टार्ट कर देंगे। तो हमने इस सिग्नल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, 1/2 की पावर n u n, इसका मतलब जो पूरा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाने वाला, और दूसरी तरफ -1 से, डिस्क्रीट -1 से शुरू होता है, तो इस तरह से लिखते कंटिन्यूस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, केवल यहाँ पे u ऑफ -t लिख देते तो काम खत्म हो जाता था, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हमने इस सिग्नल को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, किस किस टाइप से, एक तो हमने लिखा 1/2 की पावर n u n प्लस, दूसरी तरफ क्या लिखा, 1/2 की पावर -n u ऑफ -n -1। अगर इस वाली वैल्यूज को तुम रखना शुरू करोगे तो हमें यही वैल्यू मिलेंगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूं बाकी के पोर्शन को। देखो हम क्या करेंगे, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी दोनों का निकालेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले हम इस वाले पार्ट का निकालेंगे, फिर उसका इसकी उसी के हेल्प से इसको निकालेंगे, दोनों का ट्रांसफॉर्म को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बाइलिनियरिटी प्रॉपर्टी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमें पता है फॉर्मूला, ए की पावर एन यू एन का डी टी एफ टी जो होता है वो कितना होता है, 1/1 माइनस ए की पावर माइनस जे ओमेगा, ये सबको पता है, जहाँ पे ए क्या होता है 1 से कम होता है, ए हमारा जो 1 से कम है, तो इस वाले फॉर्मूले को मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास पहला तो आ गया डायरेक्टली 1/2 की पावर एन यू एन का डी ए टी एफ टी कितना आ गया, 1/1
वन माइनस ए की जगह वन बाय टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आ चुका है, अब सेकंड पार्ट को इसी के हेल्प से लाने की कोशिश करेंगे। अगेन देखो यहाँ पे क्या, एक तो पावर माइनस एन है दूसरे वाले में, और यहाँ पे जो चीज है वो एन माइनस वन है। तो यहाँ पे देखो सोचते कैसे है, जो यू के अंदर है ना सबसे ज्यादा चिंता उसकी करनी चाहिए, ना कि जो पहले लिखा है, जो भी है यू है या आर है तो उसके अंदर जो लिखा है उस चीज को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके अंदर यू के अंदर माइनस एन माइनस वन लिखा, अगर मैं पहले एन माइनस वन निकाल लूं, एन माइनस वन पहले यू एन निकाल लिया, फिर एन माइनस वन से उसको रिप्लेस कर दूं, फिर एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दूं, तो मेरा यू माइनस एन माइनस वन तक का सफर आ जाएगा। वो बाहर का जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली बनता चला जाता है अगर यू के अंदर का बनता चला जा रहा। तो पहले हम क्या बनाएंगे, एन माइनस वन का निकालेंगे, फिर एन माइनस वन का निकालने के बाद एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये दो स्टेप करने पड़ेंगे हमें, पहले टाइम शिफ्टिंग देन इसके लिए, सॉरी रिवर्स कैसा टाइम रिवर्स कह सकते हैं। तो ये इसको तो हम ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर में वन नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, रिप्लेस n बाय n माइनस वन, क्या करूंगा मैं, रिप्लेस n बाय n माइनस वन। अगर n को मैं n माइनस वन से रिप्लेस करता हूं तो मेरा कितना आ जाएगा, ये वन अपॉन टू की पावर n माइनस वन u n माइनस वन। तो ये अब क्या लग जाएगी यहाँ पर, टाइम रिवर्स सॉरी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर एक्स एन का डी टी एफ टी एक्सओ पी की पावर जे ओमेगा, तो एक्स एन माइनस एन नॉट का डी टी एफ टी क्या होगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट एक्सओ पी की पावर जे ओमेगा। तो यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू कितनी है, वन, तो ये वन से शिफ्टिंग है, तो इस वाले फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, जो हमारा टर्म है वो क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट की जगह आ जाएगा वन, बाकी का सेम रहेगा, इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट की जगह कितना मल्टीप्लाई बाय एक्सओ पी की पावर जे ओमेगा जो ऊपर था, सेम टू सेम वन अपॉइंट टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा। यहाँ तक बात समझ आई होगी, अब मैं इसको हटा देता हूँ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो यू एन माइनस वन तो मैंने बना लिया, ठीक है, अब मुझे केवल माइनस एन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करता हूँ, ये जो वन अपॉइंट टू की पावर एन माइनस वन चल रहा है इसको माइनस वन वाली पावर को हटा दूं, उसके बाद क्या रह जाएगा, वन अपॉइंट टू की पावर एन यू एन माइनस वन बचेगा, फिर मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दूंगा, जो प्रॉपर्टी लगेगी टाइम रिवर्सल की उससे काम बन जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा हमें इन दोनों चीजों को देखना है आगे। तो पहले ये जो वन आ रहा है माइनस वन जो आ रहा है इसको क्या करना है, हटाना है मुझे किसी तरीके से, तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, लीनियर की प्रॉपर्टी हमारे पास ही है, मैं किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों तरफ, तो मैं वन अपॉइंट टू की पावर वन की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करूँ, तो ये बारी माने वन जो पावर है ये हट जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू की पावर वन ऑन बोथ साइड्स। तो हमें ये कितना मिल जाएगा ये 1 upon 2 की पावर 1 1 upon 2 की पावर n minus 1 u of n minus 1, इधर भी 1 upon 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, e की पावर j ओमेगा वाला टर्म को ऊपर लिख लेता हूं मैं, 1 तो हट ही जाएगा, ठीक है, 1 minus 1 by 2 e की पावर minus j ओमेगा। या तो बात समझ आएगी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो और लिख दो जल्दी से, तो ये क्या कितना आ जाएगा, 1 upon 2 की पावर कितना आ जाएगा, अब जो एक्सपोनेंट होती है वो ऐड हो जाती है, n minus 1 plus 1 हो जाएगी, ठीक है, u of n minus 1 dtft 1 upon 2 की पावर e की पावर minus 6 ओमेगा 1 माइनस 1 बाई 2 e की पावर माइनस जे ओमेगा। तो यहाँ तो हमारा जो बचा उसको लिख देता हूँ मैं जल्दी से, n बचा,
तो ये कितना आ गया, 1/2 e की पावर माइनस जे ओमेगा 1 माइनस 1 बाई 2 e की पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, अब क्या देखो, अब देखो बिल्कुल उसी के जैसा बन चुका, बस माइनस के पावर की कमी है यहाँ पे, 1/2 की पावर n है हमारा वहां पे, यू एन माइनस वन है, तो मैं अब क्या करूंगा n को माइनस n से रिप्लेस कर दूंगा ताकि ऐसा बन जाए जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो कर दो रिप्लेस n बाय n माइनस, तो n को n माइनस वन से माइनस n से रिप्लेस कर दो, ये किस टाइप का बन जाएगा, 1/2 की पावर माइनस n यू ओ माइनस वन। तो हमारा ये डी टी एफ टी पे क्या फर्क पड़ेगा, n को माइनस n से रिप्लेस किया यानी टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहती है डी टी एफ टी की, अगर x n का डी टी एफ टी हमारा x ऑफ e की पावर j ओमेगा, तो x ऑफ माइनस n का रिप्लेस करेंगे डी टी एफ टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देते हैं, तो ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दो यहाँ पे, ये जो हमारा सिग्नल है इसमें क्या करना, ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा, तो जहां जहां पे ओमेगा लिखा है वहां पे माइनस ओमेगा लिख लूंगा, माइनस जे माइनस ओमेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से, 1 माइनस 1 बाई 2 ई की पावर माइनस जे ओमेगा को माइनस ओमेगा। ठीक है, या तो बात समझ आई होगी, बस इसको अगला स्टेप लिख देता हूँ मैं जल्दी से, आप प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 1 माइनस 1 बाई 2 e की पावर जे ओमेगा, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब क्या कर दूंगा मैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आती, ध्यान से देखो यहाँ पे 1/2 की पावर यू एन का आया था 1/2 1 माइनस 2 e की पावर माइनस जे ओमेगा, और सेकंड इक्वेशन का जो आया उसको ऐड कर दूंगा। ठीक, तो हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखो मैंने क्या क्या 1/2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, जो हमने फाइंड की थी ना 1/2 की पावर एन का कितना आया था 1/1 माइनस 2 e की पावर माइनस जे ओमेगा, और 1/2 की पावर माइनस एन यू माइनस एन का डी टी एफ टी कितना आया, ऊपर लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 2 में 1/2 e की पावर जे ओमेगा 1 माइनस 1/2 e की पावर जे ओमेगा, तो मैंने दोनों को ऐड करके दे दिए। अब चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं आंसर, या ओवर सोल्व करना तो आगे देख लेते हैं, तो जब सोल्व करने जाएंगे तो दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 e की पावर जे ओमेगा 1 माइनस 1/2 की पावर जे ओमेगा, तो इस वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये अपोजिट वाला 1 माइनस 1/2 e की पावर जे ओमेगा, और ये वाला टर्म होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा 1/2 e की पावर जे ओमेगा, जब माइनस 1/2 की प्लस 1/2 करेंगे तो आएगा 1/4 e की पावर माइनस जे ओमेगा और e की पावर जे ओमेगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया और दोनों तरफ दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो पूरा सिग्नल लेफ्ट हैंड साइड में, मैं अब इसको जो ओरिजिनल सिग्नल था वही लिख सकता हूं, हमने इसी को तो ब्रेक करके लिखा था 1/2 की पावर मोड ऑफ n लिख सकते हो, ओरिजिनल सिग्नल इसी का निकालना था हमें। तो हमारा DTFT कितना बचा, देखो कुछ टर्म तो ऊपर कैंसिल हो गए, 1/2 e की पावर j ओमेगा और 1/2 e की पावर j ओमेगा लाइफ टर्म में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ये कितना बचा 1 माइनस 1/4 e की पावर माइनस j ओमेगा से e की पावर j ओमेगा कैंसिल, क्योंकि सेम पावर है। ठीक, एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा वहां पे 1 माइनस 1/4, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 1 का मल्टीप्लाई किया दोनों ने, 1 माइनस 1/2 e की पावर जी ओमेगा, फिर माइनस 1/2 का किया e की पावर माइनस जी ओमेगा, और प्लस 1/4 e की पावर माइनस जी ओमेगा e की पावर जी ओमेगा। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ गया 1/2 की पावर मोड ऑफ n का डी टी एफ टी, ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस 1/4 को सोल्व करो, ये कितना आ जाएगा 3/4। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, और यहाँ पे अब देखो अगेन ये वाले पार्ट तो वन ही हो जाएगा, और
ये वन हो गया, तो ये हमारे नीचे कितना बचा, वन माइनस, इन दोनों में से वन बाई टू कॉमन ले लो, तो ये e की पावर j ओमेगा प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा, और वहां पर बचा वन बाय फोर, e की पावर j ओमेगा, e की पावर माइनस j ओमेगा अपॉन टू किसके इक्वल होता है, कोस ओमेगा के। सिग्नल सिस्टम अगर ये बात भूल गए तो काम खराब है, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। तो इसका DTFT कितना आ गया, 3/4 और 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी 5/4, ये तो हो गया 5/4, और ये कितना बचा, cos ओमेगा 1/2 e की पावर j ओमेगा प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा किसके इक्वल होता है, cos ओमेगा के। एलसीएम ले लो इसका, और ज्यादा सिंपलीफाई करना, 1/2 की पावर मोड ऑफ n का DTFT कितना हो जाएगा, ऊपर तो 3/4 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 - 4 cos ओमेगा अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना बचा, फाइनल आंसर जो बचा 1/2 की पावर मोड ऑफ n का DTFT, हमेशा याद रखना क्योंकि फॉर्मूला है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 - 4 cos ओमेगा, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, जनरल का निकालना एक ही जगह, ये यहाँ पे 1/2 की जगह a ले लेना और a को डेफिनेशन लिख देना, मोड ऑफ a क्या होना चाहिए, 1 से कम। तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, फिलहाल उसका आंसर आ चुका है। इस तरह से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को डील करते हैं जब हमारा पीस वाइज फंक्शन की हमें जरूरत होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, फिलहाल देख लेते हैं एक बार, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहले क्या किया, फंक्शन को दो फंक्शन में इसको ब्रेक किया, जो ओरिजिनल सिग्नल था एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 1/2 की पावर यानी un हो गया, फिर राइट हैंड साइड में 1/2 की पावर माइनस n u माइनस n हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले का था डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला पता ही था, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से बनाया, पहले n को n माइनस 1 से रिप्लेस करके प्रॉपर्टी लगाई टाइम शिफ्टिंग, फिर n को माइनस n से रिप्लेस करके क्या करा दिया, टाइम स्केलिंग, तो उसका भी हमें पता चल गया। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को यह समझ आया होगा, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।